इवाने सदर में ना होता तो आज मैं भी जेल में होता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा था, पीएम हाउस से आया था। यकीन नहीं है कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में भी होंगे। हज पर ना गया होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत ना करता। सदर ममलिकत ने मजीद कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइन के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई आज भी मेरे लीडर हैं। ऐवान सदर में ना होता तो आज मैं भी जेल में होता। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा था।